लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र से मिला है। इसकी समीक्षा में कई खामियां सामने आई हैं। इसमें एक ये है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ उम्मीदवारों की जीत में भाजपा का हाथ रहा, लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों को गठबंधन का साथ नहीं मिल सका। यही स्थिति अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बन सकती है। इससे ये चर्चा आम है कि भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी के दो फाड़ कर जो जाल बिछाया था उसमें खुद ही उलझ गई है, जिससे विधानसभा चुनाव की डगर कठिन हो गई है। लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण, जातीय ध्रुवीकरण, संविधान बदलने का प्रचार और स्थानीय समीकरण भाजपा के खिलाफ रहे। तर्क दिया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ आने से सत्ता का सुख तो मिला, लेकिन इससे भाजपा को दोहरा झटका भी लगा है। एक तो बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में भाजपा की छवि पर भी पड़ा और बड़ी हार भी मिली। राज्य की 48 में से सिर्फ 17 सीटों पर महायुति की विजय हुई है, जिसमें भाजपा को 9, शिंदे की शिवसेना को 7 और अजीत पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली है। वहीं महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। चुनाव में कांग्रेस 13, एनसीपी 8 और शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव में भाजपा 23 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि भरपूर मत शिवसेना व अजीत पवार को मिले, लेकिन भाजपा को उतना फायदा नहीं मिला। ठाणे, कल्याण और उत्तर पश्चिम मुंबई से लेकर इचल, कराची, बुलढाणा, मालव, संभाजीनगर में जहां भाजपा के विधायक थे, वहां से अधिक लीड मिलने से शिवसेना की जीत आसान हो गई, लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों के लिए ऐसा नहीं हो सका। वहीं विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी ने न केवल एक दूसरे को मतों का स्थानांतरण हुआ, बल्कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच गजब का समन्वय भी रहा। इसका सबसे अधिक लाभ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ। जो मुस्लिम वर्ग कभी शिवसेना से दूरी बनाकर रखता था, उसने भी उद्धव के उम्मीदवार को थोक में मत दिए। इससे शिवसेना भाजपा के बराबर सीट जीतने में कामयाब हो गई। वहीं भाजपा को अपने दम पर जूझना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाले माली, धनगर और बंजारी का समीकरण भी ढंग से नहीं बन पाया। धननगर समाज की नाराजगी से भाजपा को पश्चिम महाराष्ट्र और मराठावाड़ा की 12 सीटों पर झटका लगा। हालांकि अंतिम समय में धननगर समाज के नेता महादेव जानकर को परभड़ी से टिकट देकर महायुति ने समाज के मतों का इंतजाम सुनिश्चित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जानकर भी चुनाव हार गए।